गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चावल का पापड़ बनाने जा रहे हैं। चावल का पापड़ बनाने के लिए हम चावल का आटा लिए हैं। इस कटोरी से 2 कटोरी आटा है, 1 कटोरी आटा यहाँ थाली में रखे हैं और 1 कटोरी इसमें है। और 2 कटोरी आटा के लिए हम 4 कटोरी पानी यहाँ चूल्हे पर चढ़ाए हुए हैं। अब पानी खौलने वाला है। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2-4 लाल मिर्च जिसे हम तोड़ कर रखे हैं, और थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे और नमक डालेंगे अंदाज से। अब हम इसमें डालते हैं, जीरा को हम डाल लिए हैं और लाल मिर्च भी डाल दे रहे हैं। आप इसमें मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर मिर्च को तोड़ कर डाले हैं और अंदाज से नमक डालेंगे। 2 चम्मच नमक हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि कम ना हो, और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे। इसे मिला लेंगे और अब इसमें हम आटा डालेंगे। आटा डालने के पहले थोड़ा सा पानी को हम निकाल लेते हैं। थोड़ा पानी हम निकाल लिए हैं, बाद में डालेंगे, और अब हम धीरे धीरे करके आटा को इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से आटे को हम मिला लेंगे। जो पानी हम निकाल कर रखे थे उसे भी अब हम डाल देते हैं, और इसे अब हम अच्छी तरह से मिलाते हैं। आटे को हम मिला लिए हैं। अभी ये थोड़ा गर्म है, ठंडा होने पर दोनों हाथ से भी अच्छी तरह से गूंद लेंगे और ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा और इससे पापड़ बनाएंगे। आटे को हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं, गूंध लिए हैं और ये मुलायम हो गया है। अब छोटा छोटा लोई लेकर ये पापड़ बनाने का है। इसमें अब हम 1 पॉलीथीन डाल दिए हैं। पॉलीथीन डालने से पापड़ उठाने में आसानी होता है। इस पर लोई को रख लेंगे और अच्छी तरह से दबाकर पापड़ बना लेंगे। थोड़ा सा तेल इसमें लगा देते हैं जिससे ये चिपकता नहीं है और आसानी से निकल जाता है। आप छोटे बड़े अपने मनचाहे आकार में पापड़ बना सकते हैं। अब हम इस तरह से सभी पापड़ को बना लेते हैं। आटे को हम एक भींगे रुमाल से ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे न, और हम जल्दी से सारे पापड़ बना लेते हैं। तेज़ धूप होने वाला है, अब पापड़ बनाकर मिलते हैं। सभी पापड़ को हम बनाकर फैला दिए हैं। अब ये दिन भर के कड़ी धूप में सूख जाएगा और शाम में इसे हम उठा लेंगे। अब मिलते हैं आप लोगों से पापड़ के सूखने के बाद। पापड़ सूख गया है, आप देख सकते हैं सभी पापड़ सूख चुके हैं। इसे अब हम सूप में उठा लेते हैं।
दिन भर बहुत तेज़ धूप रहता है, इसलिए सभी पापड़ अच्छी तरह सूख गए हैं। सभी पापड़ को हम सूप में उठा लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से ये सूख चुका है। अब इसे हम तलेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा साथ बनाए रखें। धन्यवाद।